स्वागत है सबका हमारे चैनल सादा माटा द सिंपल रेसिपी विद देसी तड़का में। हमारी शेफ है मीरा। चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं बहुत ही लजीज और बहुत ही फेमस रेसिपी, गाजर का हलवा। दोस्तों, ये रेसिपी सबको बहुत 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 अच्छी लगती है और इसे हम बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही जल्दी घर पे बना सकते हैं। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके लिए गाजर लगेगा, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। गाजर को हम कुछ इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम चले जाते हैं कोकोनट की तरफ। कोकोनट को भी ग्रेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने खोआ लिया हुआ है। खोआ मिल्क से बनाया जाता है, आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पे हम कुछ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे जिसको बॉयल करके रखा हुआ है। शुगर ले लेते हैं हम, यानी कि चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम ले लेते हैं घी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम ले लेंगे कुछ इलायची के दाने। लीजिए, इसके बाद हम सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने के बाद घी को दे देते हैं पिघलने के लिए। घी पिघल गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो ग्रेटेड गाजर है हमारा, ये ग्रेटेड गाजर को इसमें देते जाएंगे। तो लीजिए, इसी तरह से मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके गाजर को दे दिया है। लीजिए, ये सेकेंड फेज में हम गाजर को दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें गाजर को देना है। फ्लेम को बिल्कुल सिम रखना है इस वक्त हमें। लीजिए, पूरा गाजर दे दिया है। अब घी के साथ हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इस वक्त हम फ्लेम को बिल्कुल सिम रखेंगे, वरना गाजर हमारा जल जा सकता है और इससे टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद जब पहले बार में हो गया, तो नेक्स्ट टाइम में हम फिर से घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर घी हम डबल बार, यानी कि दो बार, पहले हम फ्राई करने से पहले दिए थे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर से घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लीजिए, नेक्स्ट टाइम हमने जो घी दिया है, इसको भी हम मिक्स कर देते हैं, ताकि पूरे गाजर में अच्छी तरह से घी मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो गया, थोड़ा फ्राई हो गया, कलर चेंज हो गया। इसके बाद हम इसमें दे देते हैं मिल्क। दोस्तों, सारी इंग्रेडिएंट्स के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर उसको फॉलो कीजिए। लीजिए, हमने दूध को दे दिया है। आप देख सकते हैं मिल्क कितना दिया है, ताकि पूरा गाजर अच्छी तरह से इसमें डूब जा सके। अब इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी में कभी भी गाजर को रख नहीं देना है, हमें इसको हमेशा चलाते रहना है। देखिए, दूध मिल्क करीब लगभग सूख आया है। अब इस वक्त हम हमारा कोकोनट दे रहे हैं। अब कोकोनट को हम कुछ हिस्सों में बांट के देंगे। ये पहला वाला हुआ, ये सेकेंड वाला हो गया। इसी तरह से फेजेज़ में हम कोकोनट को देंगे। दो फेजेज़ में यहाँ पे मैंने कोकोनट को दिया हुआ है। चलिए, नारियल को भी अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा शुगर, यानी कि चीनी। चीनी दे देते हैं। अब लीजिए, चीनी को भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले मिल्क का इस्तेमाल किया था, मिल्क पूरी तरह से सूख गया है। अब हम चीनी दे रहे हैं। चीनी जब पिघल जाएगी तो ये फिर से थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा। अब इसको हमें चलाते रहना है, ताकि नीचे से लग ना जाए। देखिए, चीनी पूरी तरह से पिघल गया है। अब देख सकते हैं आप कितना पानी आ रहा है। इसको हमें पूरी तरह से सुखा लेना है, क्योंकि गाजर का हलवा बिल्कुल ड्राई बनता है। तो लीजिए, अब इस वक्त हम दे देते हैं खोआ, जो मिल्क से बनाया हुआ होता है, आप सबको पता ही होगा। लीजिए, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है इस वक्त। देखिए, जितना भी हमारा पानी था, पानी का जो भी पार्ट था हमारा, वो पानी का पार्ट लगभग सूख आ रहा है। तो इसी तरह से हमें चलाते रहना है, हमें ब्रेक नहीं देना है। ब्रेक देंगे तो गाजर का हलवा नीचे से लग सकता है और ये बर्न हो जाए तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इसे चलाते रहना है। देखिए, पानी, जो भी चीनी का पानी था, दूध था, वो पूरा हमारा ड्राई हो चुका है। अब इस वक्त हम इसमें दे देंगे हमारे कार्डिमम्स। कार्डिमम्स को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से तोड़ लिया था, स्मैश कर लिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है।
इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये फाइनल हो गया। देखिए जब नीचे से स्टिक करना बंद कर दे तो इस वक्त हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। तो लीजिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा आप सर्व कीजिए और वाह वाह ये लूटिए और अपने फ्रेंड्स को अपने फैमिलीज को ज़रूर खिलाइए। और अच्छी लगी हो हमारी रेसिपी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।